जीएल टीचर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट बीटीसी पनवारी सिकंदरा आगरा, यहाँ पर आरओ एआरओ का एग्ज़ाम हो रहा है जो कि क्लास में इन्विजिलेटर द्वारा पूरा पेपर कराया गया है। रूम नंबर 10 है जिसका रोल नंबर भी इसमें बताया गया है। अब कॉलेज प्रशासन की तरफ से कार्रवाई की बात की जा रही है। कुछ स्टूडेंट यहाँ खड़े हुए हैं, 2:30 बजे से दूसरा पेपर होगा जिसमें उन्होंने रिटन कंप्लेंट पर साइन करने हैं और डीएम और एसएसपी के लिए शिकायत कर दी गई है। रिटन में उनको एग्ज़ाम के बाद दे दी जाएगी। चलते बाहर। नहीं, क्लास नंबर 10 ही था कोई। 511 923 ही मतलब कैंडिडेट का नंबर इसको निकल कर आया जा रही है। भैया सीधी सी बात है, 70-80 क्वेश्चन कोई कर देगा, 20-25 क्वेश्चन पता नहीं चला। सही बात, सही। एक ले आप लोगों ने फिर 112 पे फोन लगाओ, जिसकी फोन से लग रहा है यार। 112 तो पुलिस यहाँ भी है लेकिन वो इसके लिए काम नहीं करती। ऑनलाइन जाएगी ना कंप्लेंट, एक ऑनलाइन कंप्लेंट जाएगी आप लोगों के। अरे बोलो मुझे बोलो। डिस्ट्रिक्ट में कहाँ लगाओ? 9494544 5444 1717 656 656। सी यू जी नंबर होगा ना उनका, डी एम का? अरे ये तो एडीएम है, दोनों एडीएम का नंबर है, मौसा जी का नंबर है। लगाओ फोन करने से एक इन्फॉर्मेशन उनके पास पहुंच जाएगी। आप मिला दो ना, आप भी तो चेंज लगा सकता ना, बस यहीं पे पोस्टेड हूं, यहीं से जॉब में हूं मैं। उससे क्या दिक्कत है, और बढ़िया है यार आपके लिए। पुलिस आ चुकी है और हम ऑफिसियल कंप्लेंट सेंटर में दे रहे हैं, लेकिन क्योंकि यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा लोग इकट्ठा हो गए इसलिए आपको मेरी मतलब वो नहीं होता है क्या बोलते हैं बाकी हम लोग ठीक है। ध्यान रखना मोबाइल है तो मोबाइल सुनो, मोबाइल में रिकॉर्डिंग करके जरूर लेके आना। देखो अंदर एक बात आता है, उसको मैनिपुलेट कर देंगे, इतना मैनिपुलेट क्या कर देंगे, क्या पहले डिलीट कर दियो क्या? वो डिलीट कर दियो क्योंकि वो पहले बोले थे कैमरे खराब है। कैमरा चालू ही है, वो तो कोई इशू नहीं है। आदमी चोरी करेगा तो खून को आधे करीब छोड़ के रखना आधे को, क्योंकि उसमें जब आदमी चोरी करके ले जाए तो फोटो आ जाएगा। हर सेंटर पे तो सिर्फ अधिकारी होता है, वो देखो कौन है। हां तो और भी तो कर सकते हैं, मैं 3 कंप्लेंट तो मैं कर चुकी हूं अभी, कोई और कुछ भी नहीं कर रहा, खाली खड़े हो, कुछ तो कर दो भाई। जिन लोगों का वापस कंफर्म ही तो करेंगे, किसमें क्या टेंशन है। जिन लोगों का उसमें रूम में एग्जाम था वो लोग करेंगे, ज्यादा इंपैक्ट होगा। बाकी लोग तो कोई भी कर देगा, बाहर बोल देंगे कि भाई आप कौन हो, किस वजह से किया। नहीं वो मैं खड़ा हूँ भाई सर, अगर एक समस्या है तो सभी के संग है। चीटिंग वो लोग एक आदमी को कराई है लेकिन इफेक्ट तो सभी पे पड़ रहा है ना। प्रशासन की कोई सख्ती नहीं है, जब हमने पूछा परीक्षक से कि ये क्या हो रहा है तो उनके पास कोई उत्तर नहीं था। पेपर ओवर हो चुका है और पेपर में बाकायदा दो दो तीन तीन लोग आके नकल करा रहे हैं ग्रुप में। हाँ भाई यही था कि उसको जो एनालॉग वॉच ले जाना अलाउड नहीं है, लेदर बेल्ट अलाउड नहीं है, सारी चीजें अलाउड नहीं है।
और इनकी जानकारी के बिना ये हो सकता है कि कोई बाहर का इन्विजिलेटर आ जाए। जब हमने कॉलेज के प्रशासन से बात की तो उन्होंने कुछ भी कोई भी ये नहीं कहा, कौन था किसका कोई भी पता नहीं, अंदर आके पुलिस बैठी हुई है, अभी तक कोई भी कुछ भी समाधान नहीं किया गया। आप लोगों ने अभी एप्लीकेशन लिखी, कह रहे हैं कि शिकायत मत करो, उन दोनों बच्चों की एब्सेंट लगवा दे। नहीं, एब्सेंट से क्या होगा, एब्सेंट से कुछ नहीं होगा, आगे भी इस स्कूल में कॉलेज में पनवाड़ी सिकंदरा आगरा रूम नंबर 10 ए पहले भी हो चुका है, इसमें पहले भी हो चुका है, पेपर है वो बहुत ज्यादा पड़ी हुई है इनमें। अच्छा, जो रूम नंबर हैं जिनमें नकल हुई है उनका किसी को 511923 ये कैंडिडेट का पकड़ने की कोशिश की लेकिन वो भाग गया, दो थे उनके हाथ पर पूरे नंबर्स लिखे हुए थे, इनका काम है। अच्छा, आपने अभी एप्लीकेशन लिखी है, वो कहाँ है? हमारे पास कोई भी नहीं है, हमें कॉलेज से बात करनी है। हमने पुलिस में फोन किया, पुलिस की तरफ से अभी तक हमारे पास कोई भी अधिकारी नहीं आया या उनका कोई भी और ना ही कोई प्रशासन का आया है। यहाँ पर ये दिखा रहे हैं कि हमने पता नहीं कितना मतलब सेफ्टी तरीके से एग्जाम कराया है, टीचर हिलने भी नहीं दे रही है और अदर कमरे में ये सब हो रहा है तो क्या फायदा ऐसे एग्जाम का। नहीं, यहाँ पर एडीएम अंजनी कुमार है, उनका नाम इनमें लिखा गया है, आपने उसका नाम डिटेल में लिखा है क्या? अंजनी कुमार सिंह को कंप्लेन हो गया है, हो गया है उनको, हो गया है। सीएम पोर्टल भी कंप्लेन किया है, सीएम को ट्वीट भी किया है, सब कुछ कर लिया, स्टिल देयर इज नो एक्शन। ओके, पुलिस को जवाब कार्रवाई कर रही है, कोई कार्रवाई कर रही नहीं, पुलिस की गाड़ी आ चुकी है, पुलिस में यहाँ पर जो पुलिस को 6 घंटे से कॉल की अभी तक तो आ नहीं पाई है। नहीं, ये पुलिस की जो गाड़ी खड़ी है आपकी एप्लीकेशन के बाद आई, कॉल के बाद आई है अभी ये लोग बोल रहे थे कि सीसीटीवी कैमरा में आपको दिखाया जाएगा, कोई व्यक्ति अंदर गया था वो दिखाया उन्होंने कुछ? हाँ, दिखाया ना, उसके बाद तो बोला उन्होंने कि अच्छा कार्रवाई की जाएगी, लेकिन मिली भगत है यहाँ पे, इनको अपना इनके ही कुछ गैंग है और ये लोग अपनी ही मिली भगत से कुछ ना कुछ करवा रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं छात्रों का आक्रोश देखते हुए इस चीज को दबाना चाहते हैं, कहीं ना कहीं हम ये चाहते हैं या तो इस परीक्षा का कुछ ना कुछ समाधान निकाला जाए, परीक्षा को रद्द किया जाए। और भी कमरे में हुआ कितने में? अरे भैया, हमारे का दूरदर्शी आंख है, हमारे कमरे में हो रहा, समय दिख रहा है, पूरे कॉलेज में हो रहा होगा, पेपर है, चोरी करी होगी तभी तो रिजल्ट होगा। हम बाबा की बात क्या मान रहे हैं, फिर कौन माने, इसका मतलब एक है इनको जो कहा नौकरी से निकाले। नहीं, अभी ऐसा है कि सभी लोग एग्जाम छोड़ के जा चुके हैं, 2:30 बजे करीब ये दोबारा एंट्री करेंगे तो उसके बाद एक बार आप अपलोड कर सकते हो। जो विरोध कर रहे हैं वो स्टूडेंट यहाँ खड़े हुए हैं।